राजनीतिक विज्ञान में स्वायत्तता दृष्टिकोण का समर्थक कौन सा विद्वान है? राजनीतिक विज्ञान में स्वायत्तता दृष्टिकोण का समर्थक कौन सा विद्वान है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी लियो स्ट्रास और ऑप्शन सी कार्ल जे फ्रेडरिक और ऑप्शन डी है नॉर्मन जैकबसन। नॉर्मन जैकबसन बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। राजनीतिक विज्ञान में स्वायत्तता दृष्टिकोण का समर्थक विद्वान कौन सा रहने वाला है? डेविड ईस्टन, लियो स्ट्रास, कार्ल जे फ्रेडरिक, नॉर्मन जैकबसन। दीजिएगा फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ देवेंद्र सिंह ने ए आंसर दिया है, राजेंद्र ने सी दिया है, हारून ने भी सी आंसर दिया है, सुमन ने डी आंसर दिया है और वीरेंद्र ने बी आंसर दिया है। देखो इसका सही जो आंसर दिया गया है वो सुमन शर्मा के द्वारा दिया गया है, यानी डी इसका आंसर होगा नॉर्मन जैकबसन। नॉर्मन जैकबसन सीधे सीधे क्वेश्चन है ना, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। वर्तमान में ये पूछे भी जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, जिनको हम फैक्चुअल क्वेश्चन कह सकते हैं, तथ्य आधारित क्वेश्चन कह सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन वर्तमान में बहुत पूछे जा रहे हैं। देखने में हो सकता है आपको छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये कंफ्यूज बड़ा करेगा, और क्योंकि तथ्य याद करना सभी के लिए मुश्किल होता है ना, भूलने की बीमारी सबके साथ होती है। अवधारणात्मक प्रश्नों को हम कर आसानी से कर लेते हैं, लेकिन तथ्यात्मक जो प्रश्न होते हैं उनको करने के लिए हमारी मेहनत बहुत अच्छे स्तर की होनी चाहिए। अविनाश ने ए आंसर दिया है, तो इसका सही आंसर डी है। देखो स्वायत्तता दृष्टिकोण, स्वायत्तता दृष्टिकोण के प्रतिपादक की हम बात करें तो इसके प्रतिपादक है नॉर्मन जैकबसन। नॉर्मन जैकबसन इसके प्रतिपादक है। इन्होंने कहा है कि राजनीति का जो अध्ययन है वो कैसा होना चाहिए, स्वायत्त होना चाहिए। राजनीति का अध्ययन स्वायत्त होना चाहिए। इनका कहना है कि राजनीति को न तो विज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए और न ही दर्शन के साथ जोड़ना चाहिए, दोनों के ही साथ राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए। सामान्यतः हम ये पढ़ते हैं कि जो राजनीति सिद्धांत है उसके दो अंग हैं, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन। यानी हम राजनीति का जो अध्ययन करते हैं वो या तो राजनीतिक दर्शन के रूप में करते हैं या फिर राजनीतिक विज्ञान के रूप में करते हैं। 1945 से द्वितीय विश्व युद्ध तक की बात करें तो हमने अध्ययन किया राजनीतिक दर्शन के रूप में, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हमने अध्ययन शुरू कर दिया राजनीतिक विज्ञान के रूप में। लेकिन नॉर्मन जैकबसन का कहना है कि राजनीति का अध्ययन स्वायत्त होना चाहिए, न तो इसका विज्ञान के साथ हो न ही इसका अध्ययन दर्शन के साथ हो। और इसी के संबंध में इनका एक कथन भी है, इसी के संबंध में नॉर्मन जैकबसन का कथन भी है। और ये कथन है कि विज्ञानवाद राजनीति से राजनीतिक निकाल देगा, विज्ञानवाद राजनीति से राजनीतिक निकाल देगा, जबकि नीतिवाद उसको सदाचरण का दुश्मन ठहराकर समाप्त कर देगा, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मन से संबंधित हमें नॉर्मन जैकबसन से संबंधित दो चीजें पता चल गई, एक तो इनका दृष्टिकोण स्वायत्तता दृष्टिकोण और दूसरा इनका कथन। इस तरह के कथन भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो कथन भी याद जरूर रखिएगा कि विज्ञानवाद राजनीति से राजनीतिक को निकाल देगा, जबकि नीतिवाद उसे सदाचरण का यानी राजनीति को सदाचरण का दुश्मन ठहराकर समाप्त कर देगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर।